रीजनिंग रीजनिंग और रीजनिंग। दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रीजनिंग के क्वेश्चन होते कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों सोचते कुछ और हो और आंसर कुछ और निकलता है। तो आज की वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि सोचोगे कुछ और आंसर कुछ और निकलेगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज। चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके हम, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। ऊपर देखिए लेटर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, ये जो लेटर दिए हुए हैं इसका नंबर लिख लीजिए। तो यहां पर देखिए डी का नंबर 4 होगा और जे का नंबर 10 होगा, और 196 लाना है आपको। तो क्या करोगे, सिंपल दोस्तों 4 और 10 को प्लस कर लूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा 14 मिलेगा। 196 लाना है, मुझे इतना पता है कि 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 196 मिल जाएगा। इतना क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों ये लॉजिक यहां पर यूज करके देखता हूं मैं। तो यहां पर R का नंबर क्या होगा, 18 होगा, और W का नंबर 23 होगा। इनको प्लस करोगे तो आपको 41 मिलेगा। तो ये 41 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 41 करेंगे जैसे ऐसे किए थे हम लोग ने, राइट। तो अब देखो दोस्तों यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 तो यहां पर तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 4 है, तो ये लॉजिक फेल हो गया। तो क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां 14 × 14 किया था, तो काम करता हूं मैं प्लस करने पर 41 आया है यहां पर, तो प्लस करने पर 41 आया है, तो मल्टीप्लाई 14 का चेक करता हूं मैं। तो यहां पर 41 × 14 करूंगा मैं, तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, यहां पर प्लस 1 × 1 = 1, 1 × 4 = 4, अगर प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 574। लॉजिक मिल गया, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो टी देखिए क्या होगा, टी का नंबर आपका होगा 20 होगा और एच का नंबर 8 होगा। इन दोनों को प्लस करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 28 मिलेगा। यहां पर 14 मल्टीप्लाई किया था आपने, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई 14 करोगे, तो 28 × 14 करोगे तो 4 × 8 = 32, यहां पर 2, यहां पर 3 कैरी चला गया। अगर यूनिट प्लेस देखोगे तो देखिए ऑप्शन ए में ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर चाहो तो आप पूरा कर सकते हो, आप 4 × 8, 8 + 3, 11 होगा, यहां पर लिख दिया आपने 1 × 8 = 8, 1 × 2 = 2, यहां पर इस तरह से आप आंसर ला सकते हो। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो सॉल्व कैसे करोगे। देखिए यहां पर बीच में लेटर दिया हुआ है और चारों बाजू में देखिए नंबर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, तो काम करते हैं हम लोग, ई का नंबर क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। तो मुझे क्या करना होगा कि चारों बाजू जो नंबर दिया हुआ है कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे 5 मिल जाए। इतना क्लियर। तो काम करता हूं मैं 7 और 5, तो 7 × 5 करूंगा तो 35 मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर 3 + 4 करूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, और 7 को डिवाइड करूंगा दोस्तों, 35 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो 7 × 5 कितना होगा, 35 होगा, तो यहां पर 5 आ गया, मतलब ई आ जाएगा। इतना क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों यहां पर जो पैटर्न यहां पर फॉलो किया, यहां पर क्या देखता हूं मैं, तो यहां पर 12 × 8 करोगे तो आपको 96 मिलेगा, और यहां पर 6 और यहां पर 2 दिया है, तो 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए 8 लिखूंगा मैं, और यहां पर 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 4, और यहां पर 2 × 1 = 2, मतलब 12 आ गया। तो 12 आ गया दोस्तों यहां पर, तो L का नंबर क्या होता है, 12 ही होता है, तो लॉजिक सेट हो गया। चलिए इसी लॉजिक से आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखोगे दोस्तों 19 × 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 × 9 = 27, 7 × 2 तो यहां पर 57 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर 5 और 7, 5 + 7 करोगे तो 12 मिलेगा, तो 57 / 12 होगा क्या, होगा ही नहीं, लॉजिक फेल हो गया ना, ऐसा होता है एग्जाम के अंदर। तो कुछ और लॉजिक लगाना होगा, क्या लॉजिक लगाना होगा, चलिए हम फाइंड करते हैं कुछ और लॉजिक, क्योंकि लॉजिक ऐसे ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर 7 यहां पर 5 दिया है, तो 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा। यहां पर 3 + 4 तो 4 + 3 कर लेता हूं, तो यहां पर 7 होगा। मुझे यहां पर ई का नंबर क्या होता है, 5 होता है, तो 12 − 7 करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। लॉजिक सेट हो रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो जो यहां पर किया है वही यहां पर करते हैं, तो यहां पर 12 + 8 कितना होगा, 20 होगा, और यहां पर 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा, इनको माइनस करोगे तो 12 होगा, और L का नंबर क्या होता है, 12 ही होता है। इतना क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं, आखिर देख लेते हैं हम, 19 + 3 कितना होगा, 22 होगा, 5 + 7 कितना होगा, 12 होगा, तो यहां पर −12 करेंगे तो यहां पर 0, यहां पर आपका 1 आ जाएगा, 10। तो 10 नंबर वाला लेटर कौन सा है दोस्तों, 10 नंबर लेटर J होता है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए यहां पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर 10 दिया हुआ है, तो एक काम करता हूं मैं, ये 35 और ये 25, 35 प्लस 5 कितना होगा 40 होगा, 40 प्लस 20 60 होगा, तो यहां पर 60 लिख देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया नहीं मैंने, प्लस कर लिया मैंने। अब यहां पर 3 और यहां पर 2, तो काम करता हूं 10 लाना है मुझे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 3 2 का कितना होगा दोस्तों 6 होगा, और मुझे 10 लाना है तो क्या करूंगा डिवाइड कर लूंगा मैं, तो यहां पर 6 10 का 60 हो गया। चलिए यही लॉजिक को यहां पर यूज करके देखते हैं हम लोग, राइट। तो यहां पर देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले इन दो नंबर को प्लस किया मैंने, तो 40 प्लस 30 कितना होगा दोस्तों 70 होगा, तो यहां पर 70 लिख दूंगा मैं, मींस 40 प्लस 30 70 हो गया। अब क्या किया था मैंने, ये नंबर को मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो 7 1 7, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए कितना होगा 10। देखिए लॉजिक सेट हो गया, चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए 90 प्लस 10 कितना होगा दोस्तों, 90 प्लस 10 आपको 100 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, यहां पर 2 दिया है, यहां पर 5 दिया है, तो 5 2 5 2 कितना होता है दोस्तों 10 होता है, डिवाइड कर लीजिए कितना होगा 10। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 10 आएगा, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। तो ऐसे ही दोस्तों लॉजिक फाइंड करना है और आंसर मैच करके टिक करके आ जाना है, राइट। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके हम, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। देखिए यहां पर दिया 15 दिया, यहां पर 41 लाना है आपको, क्योंकि दोस्तों देखिए 41 50 और क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब लॉजिक ये है कि 41 50 आपको लाना है, ये जो बाहर के नंबर दिए हुए ना उसको कुछ ना कुछ करके आपको वो नंबर को मैच करना है, राइट। तो यहां पर 41 कैसे आएगा, तो काम करता हूं मैं, ये 5 है और 6 है, तो मुझे 1 यूनिट प्लस दिमाग में आ रहा है मेरे को कि क्या कर सकता हूं मैं, तो यहां पर 5 प्लस 6 करूंगा मैं तो मुझे 11 मिल जाएगा, मतलब ये 1 तो आ गया, 41 कैसे लेके आऊंगा। तो काम करता हूं मैं, 15 को मल्टीप्लाई 2 कर दूं मैं तो मुझे 30 मिल जाएगा, और इनको प्लस करूंगा तो 41 मिल जाएगा। लॉजिक सेट हो रहा है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर 50 मतलब यूनिट प्लेस 0 है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप प्लस करोगे तो यहां पर 10 प्लस 4 कितना होगा 14 होगा, तो यहां पर 4 आ गया। तो क्या करना होगा, हमने यहां पर मल्टीप्लाई 2 किया था तो मल्टीप्लाई यहां पर आप 2 करोगे तो 18 2 का कितना होगा 36 होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 50 मिलेगा। लॉजिक मिल गया, चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पर दोस्तों देखिए 10 प्लस 15 कितना होगा दोस्तों 25 होगा, और यहां पर 80 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको 160 मिल जाएगा डबल, तो इसको प्लस कर लीजिए फटाफट, तो 185 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 185 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, लेके हम, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे, काफी बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, अगर नंबर को ऑब्जर्व करोगे अगर आप, अगर तो यहां पर 30 यहां पर 15 और यहां पर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये लॉजिक आपको समझना होगा कि बीच में जो नंबर दिया है वो नंबर आपको लाना होगा बाहर के चार नंबर्स है। ठीक है, अब बाहर के चार नंबर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो 512 ये 864 1, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्यूब रूट यहां पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, इतना तो आपको आता ही है, राइट। तो यहां पर दोस्तों 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो 4 होगा, और 512 का क्यूब रूट निकालोगे तो आपको 8 मिलेगा, और 1 का क्यूब निकालोगे तो 1 ही होगा, क्लियर। तो चलिए चार नंबर मिल गए मुझे 4 2 8 1, कुछ लॉजिक सेट करते हैं जिससे मुझे 30 मिल जाए। तो यहां पर 8 यहां पर 4, तो 8 4 32, मतलब 30 के करीब है, तो काम करता हूं 8 4 32 लिख दिया मैंने, और यहां पर 2 और यहां पर 1, तो 2 1 2, तो यहां पर देखिए 2 1 2 किया और माइनस कर दिया मैंने, तो क्या होगा दोस्तों 30 मिल जाएगा। यही लॉजिक यहां पर यूज करके देखता हूं मैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको क्यूब निकालना होगा, तो यहां पर क्यूब मतलब क्यूब रूट निकालना होगा, राइट। तो यहां पर सबका क्यूब रूट निकालोगे, अगर सबका क्यूब रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, इसका 125 क्यूब रूट क्या होगा दोस्तों 5 होगा, तो 5 लिख दीजिए। यहां पर 3, यहां पर 729 मतलब 9, और 1000 मतलब 10। तो क्या किया था हम लोग ने, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया था, 9 5 45, उसके बाद 10 3 30, माइनस कीजिए कितना होगा 15, देखिए 15 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर 3 3 7 5, इसका अगर क्यूब रूट निकालोगे दोस्तों तो 15 निकलेगा, राइट। और यहां पर दोस्तों यहां पर 1 7 2 8, तो 1 7 2 8 का क्यूब रूट निकालना है आपको, तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 12 लिख देंगे। अगर आप क्यूब रूट निकालना सीखना चाहते हो अगर, तो YouTube में सर्च कीजिए क्यूब रूट ट्रिक बाय इमरान सर, आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों 729 यहां पर था, हाँ यहां पर था, देखिए इसका क्यूब रूट क्या था 9 था, और ये
8000, क्या करेंगे 8000 का, तो 20, क्योंकि दोस्तों 20 20 या 400 होता है, 400 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो आपको 8000 मिल जाएगा, तो यहां पर 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 15 20 का नहीं आता तो कोई बात नहीं, 15 2 जा 30 होता है, जीरो साथ में लगा दीजिए, हो गया काम। अब यहां पर 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 12 9 जा कितना दोस्तों 108 होता है, तो यहां पर 108 लिखूंगा और इसको माइनस करूंगा मैं, तो यहां पर 2, ये 9 और ये 10, 10 में से 8 गया तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 9, यहां पर 1 192, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।